So hello guys, I hope you all are doing well and I hope you all are reading well in this lockdown period. Just let me know whether I'm audible and visible or not so that we can start this session up, because there is a very special announcement for you guys in this session from my end, which is going to be really, really crucial for all of you. Whoever is preparing for NEET competitive examination, this announcement is really going to be helpful for you guys. So just let me know whether I'm audible or visible. Okay, Saurav is saying you are audible. Rakesh, thank you so much. Thank you so much, bhai. Manoj, okay. Manoj is here. Chirag is here. Asad is here. Rakesh is here. Jatin Gupta. John. All right. I am audible. Thank you so much, guys. Thank you so much for letting me know that I am audible. So there is a very special announcement regarding a new channel that the Unacademy team is going to create, and that channel is going to have a very fantabulous, you know, impact on your life if you are preparing for any competitive examination, because this, you know, this theme is going to be implemented in a lot of segments. Ye UPSC mein bhi implement hoga, ye NEET mein bhi implement hoga. So I am here to announce the NEET categories channel. So yahan par ek channel banane wale hum log, jahan pe 10 minute ke short videos aap logon ke samne hum log lekar aayenge, so that you can prepare well the smallest topic jinse question aa sakta hai, because there are a lot of topics jo bahut chote hote hain, jo ki kafi bar bade chapters ke niche dab jate hain, unse questions aane hote hain, but you do not focus on them. ओके और काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास यू नो काफी कम टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए, एंड वी कांट वॉच द वीडियोस ऑफ 3 hours 4 hours एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो व्हाट वी आर ट्राइंग ओवर हियर कि हम लोग कुछ ऐसा लेकर आए जो कि बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो. ओके जो आप कम टाइम में इंप्लीमेंट कर सकें और कम टाइम में यू नो पढ़ाई कर सकें. ओके सो देयर इज अ ग्लिच फ्रॉम यूट्यूब एंड अभी यूट्यूब पे क्योंकि काफी सारी वीडियोज आने लगी हैं, सो देर इज अ ग्लिच फ्रॉम यूट्यूब एंड यहाँ पे जो है नेटवर्क वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, सो आप थोड़ा बहुत देख लो. किशन आपका नाम ले लिया मेरे भाई. सो अब हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द चैनल एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक फॉर सम टाइम. ओके हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. सो दिस इज मी एंड दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मी एज वेल. माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा, आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे. मैं अभी तक काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ. ये कुछ यूजी लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो मैंने क्वालिफाई किए थे. आफ्टर दैट दीज आर सम पीजी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मैंने बाद में क्वालिफाई किए. वन ऑफ द यंगेस्ट बायोलॉजिस्ट जिसको यू नो यूट्यूब का सिल्वर क्रिएटर्स अवार्ड मिला जब मैं 21 का था, उस टाइम पर मेरे 2 लाख फॉलोअर्स क्रॉस हो चुके थे ऑन एन एजुकेशनल चैनल, दैट टू बाय डूइंग माई इंडिपेंडेंट एफर्ट्स. आई एम यूनिवर्सिटी टॉपर एट द टाइम ऑफ यूजी एंड पीजी एंड आई एम एन ऑथर एज वेल. आज तक 4 बुक लिख चुका हूं और एक बुक मार्केट में है जो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगी. सो वी आर एट इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी एंड दिस चैनल इज लेट्स क्रैक नीट यूजी. सो अगर आप यू नो नीट यूजी पर हमसे पढ़ना चाहते हैं बेसिकली, देन यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको रेफरल कोड यहां पर डालना पड़ेगा. सो यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगी. यहां पर देर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि इफ यू आर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर लेक्चर लाइव देन इट्स फाइन, इफ यू आर नॉट वॉचिंग इट लाइव देन आपके डेटाबेस में वो लेक्चर स्टोर हो जाएगा. यू कैन वॉच इट सम टाइम एल्स. ओके आप जो है उसको कुछ टाइम बाद देख सकते हैं. द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द लेक्चर विल बी गिवन टू यू एंड यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम यू वॉन्ट. ऑल राइट सो लाइव क्लासेस होती हैं दोस्तों यहाँ पर. सो लाइव 101 इंटरेक्शन होता है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर आपको ऑफलाइन की फील मिलती है. ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जैसे कि डॉक्टर आनंद मनी सर, डॉक्टर शिवानी भार्गव मैम, नितिन कुमार एंड हर्षित जलानी. इनकी टीम को ही अभी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म अ बैच कोर्स और उस बैच कोर्स में मैं आप लोगों को बॉटनी पढ़ाने वाला हूँ. ओके सो ये जो आपका सुपर रैंकर्स बैच है इसमें हमारे भी कुछ कोर्स लॉन्च होने वाले हैं. सो इफ यू हैव नॉट टेकन the subscription of Unacademy yet, then I'll recommend you guys कि आप विपिन नाम का जो कोड है इसको यूज करें और 10% ऑफ पाएं ऑन Unacademy सब्सक्रिप्शन, एज वेल एज यू कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स. और इसके साथ साथ मैं आपको अपने फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स जो हैं वो दूंगा, एज वेल एज मैं आपको अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी एनरोल कर लूंगा जिसमें आपको अपने प्रिपरेशन में कोई भी अगर डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम यू वॉन्ट. सो दिस मेंटोरशिप एंड फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर्मूला शीट्स के लिए आप मेरा कोड जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय मेल. दिस आर सम प्लान्स. आई विल रेकमेंड यू कि आप 12 मंथ या 24 मंथ्स का प्लान ले एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2020 और आप एक क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं देन फॉर क्रैश कोर्स यू कैन
enroll into the 3 months pack, which is going to cost you around 13,500 rupees by applying my code VipinLife. Agar aap code apply nahi karte, then you will get it for 15,000, which is going to cost you 1,500 more rupees. So I'll recommend ki aap mera code use kar le, jisse ki aapko notes bhi milte rahe, timely mentorship bhi milti rahe, guidance bhi milti rahe, aur yahan par agar aap humse padh to sakte hain hi. Okay, so 12 या 24 मंथ्स का आप अगर पैक लें, देन इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, क्योंकि आगे आप ये सब्सक्रिप्शन अपने छोटे भाई बहनों को पास ऑन भी कर सकते हैं. सो गाइज, इस चैनल का विजन क्या है, इस चैनल का मोटो क्या है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चाय की चुस्की के साथ जो पल मिलते हैं वो आप अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छे तरीके से सहेज कर रखते हैं. चाय इज वेरी रिफ्रेशिंग. अगर हम इंडियन लोगों की बात करें तो मैं तो यार दिन की बहुत चाय पीता हूँ, एज यू नो मैं तो लेक्चर के बीच में भी काफी बार चाय पीता रहता हूँ. सो वो जो चाय के पल रहते हैं वो आपको रिफ्रेश करने के लिए जरूरी रहते हैं. हमारे इस नए चैनल का मिशन सिर्फ यही है कि हम लोग क्या करें, हम लोग उस चाय के पल को भी बहुत इंटरेस्टिंग बना पाएं, आपके लिए नॉलेजफुल बना पाएं. सो व्हाट इज द मिशन एंड व्हाट इज द विजन ऑफ दिस चैनल, दैट वी कैन मेक दिस टी टाइम बेनिफिशियल एंड नॉलेजफुल फॉर यू गाइस. यानी कि जिस 10 मिनट में आप लोग यू नो बिस्किट डुबो डुबो कर खा रहे होते हैं चाय में, उस 10 मिनट में आप कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखें, और वो छोटे छोटे चंक बिट कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो एग्जाम में यू नो इंप्लीमेंटेशन के बाद आपको एक बहुत ही बड़ा आउटकम देते हैं. सो फॉर दैट लार्ज आउटपुट यू नीड टू गिव वेरी स्मॉल स्मॉल चंक बिट इनपुट्स फॉर दैट, एंड दैट इनपुट कैन बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम आवर चैनल. सो नीट यूजी इन 10 मिनट्स करके हमने नया चैनल बनाया है. द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जहां पर 3 अलग अलग एजुकेटर्स आपको बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एंड द चैनल इज गोइंग टू फ्रेम द वीडियोज इन सच अ वे दैट द लार्जेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट से कम की सारी वीडियोज होंगी. हर टॉपिक आपका छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइडेड होगा, और उन सब टॉपिक्स को जब आप पढ़ेंगे, उन फ्लो चार्ट्स को, उन समरीज को, उन डायग्राम्स को जब आप देखेंगे, तो आपको अपने कंसेप्ट पर और ज्यादा भरोसा होगा. सो दैट इज द मिशन एंड विजन ऑफ नीट यूजी इन 10 मिनट्स, जो कि आपको एक श्योर शॉट गाइडेंस प्रोवाइड करेगा फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली बूस्टफुल थिंग फॉर यू गाइज. सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग नीचे जाकर प्लीज सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दीजिए हमारे चैनल पर जाकर, बिकॉज इन सम टाइम वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन दैट चैनल, एंड दैट इज रियली रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल, रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल, क्योंकि आप अपने चाय के साथ जो यू नो कुछ चुस्की के टाइम होते हैं, उस चुस्की के टाइम को भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ बेनिफिशियल वे टू अकॉम्प्लिश योर ड्रीम. सो सिर्फ इसी यू नो थॉट प्रोसेस को लेते हुए हमने छोटी छोटी वीडियोस की एक सीरीज तैयार करने की कोशिश की है, जहां पर आपके सामने हजारों ऑप्शंस होंगे हर टॉपिक का. यानी कि अगर आपको सिर्फ एक छोटा टॉपिक पढ़ना है, देन यू डोंट नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ वीडियोस. फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्नलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू द होल 1 आवर वीडियो ऑफ यू नो plant growth and regulators and so on. For that vernalization topic, you can directly search the keyword vernalization and you will be directed to our channel. And on that particular channel, you can get each and everything that you want in topic-wise manner, in sub-topic-wise manner, so that you don't waste your time. Okay? Because in large videos, you will be getting a lot of unnecessary information with the necessary stuff. But in case of short videos, you only get the confined stuff. Aapko sirf wahi cheeze milti hain, wahi stuff zyada milta hai, jiski aapko zarurat hai. और सिर्फ उसी चीज के लिए हम लोग ये जो है नया एक सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. सुबह आप जब उठे हैं उस टाइम पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी. समझ लीजिए आप सुबह 8 बजे उठते हैं, सुबह 8 बजे आपके हाथ में एक वीडियो होगी, एक नोटिफिकेशन होगा सिर्फ 5 मिनट का. तो आप लोग सुबह उठते ही एक ऐसी चीज याद कर सकते हैं जो शायद आपको नहीं पता थी. शायद आपको नहीं पता हो कि बीज जो है वो डांस भी करती हैं, और मैं आपको वहां पर बता रहा हूं ओके कि बीज जो है डांस करती हैं. वहां पर टेल वैगिंग टाइप का डांस हो सकता है, राउंड टाइप का डांस हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके दिमाग में कभी नहीं थी. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इलियम है और स्केलेटल सिस्टम का जो इलियम है वो दोनों अलग है. डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रेनिन है और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो रेनिन है वो दोनों भी अलग है. तो आपको इन कंफ्यूजिंग टर्म्स में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होता है, ऐसी एक डिफरेंशिएटिंग सीरीज जब आपके सामने आती है जो कि आपके कंसेप्ट को हल्का सा बढ़ा देती है, यू नो आपके कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट कर देती है, वो सीरीज जब आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने कॉन्सेप्ट्स में निखार पाएंगे. और वो निखार रोज सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट की एक वीडियो अगर आपको दे दे, तो उससे ज्यादा रिफ्रेशिंग मॉर्निंग मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है. सो सिंपल सा थॉट प्रोसेस यही था कि 5-5, 10-10 मिनट की ऐसी छोटी वीडियोज जो आप कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते देख सकते हैं, और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं इन एन एफर्टलेस मैनर. आप कुछ बहुत बड़ा भी नहीं कर रहे हो, आप कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो उस चीज पे, लेकिन स्टिल यू आर you know preparing for your examination in a very better way.
तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। सो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ और इस वीडियो क्लिप से आपको पता लगेगा दैट व्हाट इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट देयर इज अ GIF, ओके यहां पर हम लोग कहते हैं कि यहां पर जो है आपका बेसिकली एक छोटी सी चीज है जो कि हमें दिखाई दे रही है। सो यहां पर एक रैपर है जो कि रैप कर रहा है, ओके एक रैपर रैप कर रहा है, इसका नाम है क्रिस्ट जेवियर। सो व्हाट द ट्रिक इज, क्रिस्ट जेवियर हैड रैप एड परफॉर्मेंस, मतलब कि टीवी पर कोई एड चल रही है और उस एड के अंदर क्रिस्ट जेवियर अपना रैप परफॉर्मेंस सुना रहा है। दिस इज अ वेरी सिंपल लाइन और इस लाइन को याद करने में आई थिंक आपको एक मिनट लगेगा, बट दिस सिंपल लाइन हैज all the important functions that are done by auxin in plant's body. Auxin, which is the most important plant growth regulator, wo plant body ke andar jo bhi function karta hai, wo sare is line ke andar mentioned hain. Crist means C, that is cell division. It means that jab aap rooting karwana chahte hain kisi cell culture mein, then for that auxin is very important. So C for cell division, X for your xylem. It means that it is very important for xylem to differentiate. So jo aapke xylem differentiation honge, wo bhi aapka ऑक्सिन के मदद से ही होगा। हैड सिंपली मींस एच, दैट इज हर्बिसाइड। सो 2,4-D व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑक्सिन, अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक ऑक्सिन, वो हर्बिसाइड का काम करता है जो कि डाइकॉट्स पर अटैक करता है। रैप, दैट इज RAP, डेपिक्स थ्री फंक्शंस बिकॉज ऑल थ्री अल्फाबेट्स आर इन कैपिटल। आर फॉर रूटिंग इनिशिएशन, ए फॉर एब्सिशन दैट इज फॉलिंग ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स। सो एब्सिशन जो है ओल्ड पार्ट्स का, दैट इज इंक्रीज बाय द ऑक्सिन। P simply means parthenocarpy, that is the production of fruit without fertilization. So all these kind of things are done by auxin. Ad simply means apical dominance, which is promoted by auxin. And performance simply means the boosting of flowering in case of pineapple. So sirf ek line se, jaise aapko 5 minute mein sare ke sare auxin ke important functions yaad ho gaye, similarly you are going to learn each and everything in very simplistic way, in the most simple way possible, so that it can be easily implementable. वो सारी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे एंड दैट इज अ श्योरिटी। सो बेसिकली छोटी छोटी चीजें, एक यूएस में स्टडी हुई थी, बेसिकली उसमें बताया गया था कि आप एक लंबी चीज को फॉलो करते हैं उससे ज्यादा बेहतर होता है कि आप छोटे छोटे क्लिप्स को फॉलो करें। अगर आप कोई पिक्चर देखते हैं तो उसका कोई शॉर्ट सीन अगर फेसबुक पे कटा हुआ है तो आप उसको देखकर उसे बेहतर तरीके से मेमोराइज कर पाएंगे, बट पूरी फिल्म के सीन्स आपको उसे बार बार देखने पर ही मेमोराइज होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस शॉर्ट क्लिप मेथड इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर सकें और आप सिर्फ नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर सकें। ऑलराइट, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2। नाउ वी नो वेरी वेल कि यहां पर CO2 एक्सचेंज किस तरीके से होगा। ये रेस्पिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपके जो टिश्यूज होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म की वजह से CO2 जनरेट होता है। वी नो दैट वेरी वेल दैट CO2 इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हूज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस आफ्टर मेटाबॉलिज्म। सो इट इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी इन केस ऑफ टिश्यूज। व्हाट विल हैपन ओवर हियर दैट इट विल बी गोइंग टू द ब्लड सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर टू द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो यहां पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सिर्फ एक डायग्राम से समझा दिया जाएगा और आपको थ्योरेटिकल चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किस तरीके से ये जो ब्लड है ये आपका एक फ्लो में जाकर एल्वियोलाई के साथ इस CO2 को एक्सचेंज करता है, ये भी आपको इसी डायग्राम से पता लग जाएगा। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द कन्फाइंड नोट्स इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन फॉर्म ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन फॉर्म ऑफ लाइक लेबल्ड इमेजेस, जिससे आपको पूरी की पूरी चीज जो मैकेनिज्म है वो आपको एक बार में समझ में आ जाए और आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत ना पड़े। बिकॉज ये जो डायग्राम से समझाने का तरीका है, जो फ्लो चार्ट से समझाने का तरीका है, ये लोगों की माइंड पर एक छाप छोड़ के चला जाता है, एक परमानेंट इंप्रेशन दे जाता है, जिससे चीजों को याद रखने की कैपेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट ओवर हियर सो दैट यू कैन कंसेप्चुलाइज द थिंग्स इन मोस्ट इजिएस्ट वे पॉसिबल बाय गिविंग लीस्ट टाइम। ओके, सो आप कम से कम टाइम भी देकर अगर कोशिश करेंगे देन यू कैन इजिली फॉलो अप दिस थिंग एंड यू कैन नेवर हैव अ लैग। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पीछे चल रहे हो क्योंकि इतनी सारी वीडियोस आप दिन में 30-50 वीडियो भी देख सकते हो 10-10 मिनट की। बट अगर आपको कोई बोले कि आपको दो घंटे की चार वीडियोस भी देखनी है तो आप नहीं देख पाओगे। सो आप हमें आसानी से पकड़ भी सकते हो, हमारी पेस को और हमारे साथ साथ सिलेबस को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू इलेबोरेट ओवर हेयर ओके नाउ आई एम गोइंग टू इलेबोरेट ओवर हेयर कि हम किस तरीके से टॉपिक्स को बायफर्केट करने वाले हैं। लेट्स से देयर इज चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सो इन लिविंग वर्ल्ड द इनिशियल टॉपिक इज व्हाट What is living? So living में हम क्या करते हैं, क्राइटेरियाज को डिफाइन करते हैं। That reproduction is a criteria of living. Then there is cellular organization. Then there is consciousness.
Okay? Then there is self-consciousness, which is not a defining criteria of living. Then there is metabolism. A lot of things are there. उन सारी चीजों को हम लोग separate topics में bifurcate कर सकते हैं. After that, आपकी taxonomical hierarchy आती है, जिसमें आपकी kingdom आएगी, then phylum आएगा, then family, class, order, genus, species, जितने भी आपके obligate categories हैं, that is 7 obligate categories, उन सबको आप लोग अलग-अलग topics में पढ़ सकते हैं, so that आपको उनके features बहुत बेहतर तरीके से याद रहें. Then third topic आपका आता है taxonomical aids, जिसमें आपका herbarium sheet आती है, your zoological garden, your, you know, sorry, zoological parks, your botanical gardens, your, you know, monologue, your monograph, your, you know, catalog, ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हैं, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रहेंगे, अगर आप इन्हें अलग-अलग पढ़ते हैं, okay? So, आप इसमें flora वगैरह को भी याद कर सकते हैं, जिसकी NCERT में सिर्फ एक line दी गई है, उस पे अगर आपको एक 10 मिनट की वीडियो मिलेगी, तो आप बेहतर तरीके से उससे पूछे जाने वाला कोई भी question solve कर पाएंगे. आप जब हर्बेरियम शीट की बात करते हैं, अगर आप उस शीट को देख लेंगे, तो आप उसके डाइमेंशंस का आसानी से अंदाजा लगा लेंगे. आपको ये भी पता लग जाएगा कि लेबल कौन से कॉर्नर में था, कौन सी पर्टिकुलर साइड में था. सिमिलरली, अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देन वी कैन हैव सेपरेट वीडियोस ऑन वायरसेस, वी कैन हैव सेपरेट वीडियोस ऑन वायरॉइड्स, वी कैन हैव सेपरेट वीडियोस ऑन प्रायॉन्स, विच इज अ न्यू टॉपिक. सो इस पर ज्यादा फोकस अगर आप करेंगे 10 मिनट की वीडियो में, तो आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर नीट में देखने को मिलेगा. ओके, other than that, अगर आप plant kingdom की बात करते हैं, आप algae के chlorophyce, phyophyce, rhodophyce को अलग से रख सकते हैं in variety of categories. अगर आप animal kingdom की बात करते हैं, तो आप सारी की सारी phylums को अलग रख सकते हैं, जैसे कि आपका porifera, coelenterata, tenophora, platyhelminthes, escalminthes, annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata, and then chordata में भी काफी सारे जो आपके phylums होते हैं, उनको आप अलग-अलग रख के बकायदा उनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तो आपको उनके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगे. सो दैट्स व्हाई शॉर्ट वीडियो क्लिप्स आपकी बहुत बेहतर रहने वाली हैं. मॉर्फोलॉजी की जब आप बात करेंगे, आप एस्टिवेशन को सिंपली पढ़ सकते हैं, ओके, आप विनेशन को अलग तरीके से पढ़ सकते हैं. यू कैन हैव अ लेक्चर ऑन वैरायटी ऑफ लीव्स, यू कैन हैव अ लेक्चर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कैलिक्सेस, यू कैन हैव अ लेक्चर ऑन द नंबर ऑफ गाइनोशियम दैट यू कैन हैव और द ओरिएंटेशन ऑफ गाइनोशियम दैट यू कैन हैव. In anatomy of flowering plant, you can have separate lectures on monocot and dicot root, monocot and dicot stem, monocot and dicot leaf. And other than that, you can have a comparative analysis. Structural organization में आपको हर tissue के बारे में अलग-अलग details मिल जाएंगी. And so on, आप जो है छोटी-छोटी video clips को आसानी से analyze कर सकते हैं और आसानी से उनको पढ़ सकते हैं. Okay? So that is what we are having in this particular case. समझ लीजिए, यहाँ पर आपका 12th का syllabus है. So in your 12th class syllabus, let's say if you are reading molecular basis of inheritance. So in molecular basis of inheritance, there are a lot of topics that you need to ponder on. For example, there is genetic code. There is human genome project. Okay? There is pedigree analysis, jo ki isse pehle chapter mein aata hai. Yahan par aapka DNA replication aayega. Yahan par aapka transcription aayega. Okay? Yahan pe aapka regulation of transcription aayega. Yahan par aapka lac operon aayega. Yahan par aapka tryptophan operon aayega. Okay? यहां पर आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आएगी, यहां पे आपके जेनेटिक कोड के साथ जो वॉबल हाइपोथेसिस होती है वो आपको जानने को मिलेगी. सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि वॉबल हाइपोथेसिस ये आपको यूजुअली कोई नहीं पढ़ाता, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन आपको कोई नहीं पढ़ाता. अगर आप लोग नॉर्मली छोटे-छोटे वीडियोस के बेसिस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको इन पर भी ज्यादा एम्फसाइज करने का मौका मिलेगा, जो आपको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज एडवांटेज दिला सकता है आपके एग्जामिनेशंस में. Okay, so that's why it becomes important to give, you know, equal importance to the short videos. ये जो है, ये basically एक motto है. अब हम थोड़ी देर बात करेंगे यार, काफी दिन हो गए मुझे इस channel पर आए हुए. So just let me know, जो भी आप पूछना चाहते हो या जो भी आप कहना चाहते हो, just let me know about it, so that we can, you know, just have a very healthy discussion. Because मैंने ये सोचा था कि यार मैं अपनी degree complete करके आऊँगा. और मैंने सोचा था इस सेमेस्टर में आग लगा दूंगा, लेकिन भाई कोरोना आ गया और सेमेस्टर को ही आग लग गई. सो आई एम हियर एंड जस्ट लेट मी नो, ओके, व्हाटएवर यू वांट टू से जस्ट लेट मी नो, सो दैट वी कैन हैव okay, thank you so much Vincent, thank you so much, lots of love to you as well. Akshay, thank you so much.
ओके ओजोन यार, ओजोन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, उसको कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी. सो डोंट आस्क मी दैट. आई एम जस्ट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ 10 मिनट्स नीट एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन एन अकेडमी प्लस एज वेल. ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट. ये शॉर्ट वीडियोज़ दोस्तों एक नए चैनल पर आएंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो फटाफट, बिकॉज उसके लिए एक नया चैनल बना है नीट यूजी इन 10 मिनट्स एंड ऑल द वीडियोज़ आर गोइंग टू बी ऑन दैट, यू नो सेम थिंग. ओके शमाइला खान सर, आप सेलिब्रिटी हो. यार ये आपको लगता है बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता है फिलहाल. टेक्नोलॉजी अनअकैडमी इज जस्ट लाइक अ फैमिली. ऑब्वियसली अनअकैडमी इज जस्ट लाइक अ फैमिली एंड इट इज़ द बिगेस्ट फैमिली ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशनल वेंचर्स. इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब चैनल्स और व्हेन इट कम्स टू द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. इट डू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स पॉसिबल, राइट. सो नीट एग्जाम डेट नीरज, इट्स यू नो इट्स नॉट क्लियर टिल नाउ, बट वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट द डेट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू न्यूज़. जैसे ही लॉकडाउन आपका बढ़ा है, सो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ इट कुड बी लाइक लास्ट वीक ऑफ जून और द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड इट मे एक्सटेंड इफ द लॉकडाउन एक्सटेंड, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू यू नो इट्स नॉट गोइंग टू टेक प्लेस बिफोर जून. ज्योति भंडारी, रितु मैम इज बेस्ट सर. ऑब्वियसली रितु मैम इज बेस्ट, नो बडी इज डिनाइंग दैट फैक्ट. ओके आई हैव नॉट सेड दैट आई एम द बेस्ट. आतिफ खान सर, ओजोन क्लासेस बंद मत करना. ओजोन क्लासेस बंद नहीं हुई है दोस्तों. टेक्नोलॉजी सर, यू एंड आनंद मनी द बेस्ट जोड़ी. थैंक यू सो मच भाई. आई एम गोइंग टू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड आई एम गोइंग टू सेंड दिस टू आनंद मनी एज सून एज पॉसिबल. ओके विशाल, यू आर ग्रेट सर. आप पढ़ाओगे तो नीट बहुत आसानी से निकल जाएगा. योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी ऑसम. थैंक यू सो मच भाई विशाल, इट रियली मीन्स अलॉट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कॉन्टेंट पॉसिबल, बिकॉज अभी मैं काफ़ी सीखा हूँ इस टाइम में, मैंने बहुत पढ़ाई की है एंड लॉकडाउन में मैं रेगुलरली दिन के 13 से 14 घंटे रेगुलर काम कर रहा हूँ. सो यू नो आई ऑलवेज विश कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ जिससे मैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं एक यू नो अभी स्टूडेंट फेज में हूँ. मेरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ाने के लिए. अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो यार फिर मैं अंडरस्टैंड आके यहाँ पे बोलूँगा और तुम अगर उस चीज़ को आगे रेप्लिकेट कर देते हो अपने एग्जामिनेशन में तो उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होगा. ओके कुश पटेल, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. अरे आज यार कोई गाली वाली नहीं आ रही, कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है मुझे, बट इट्स गुड कि कोई गाली नहीं आ रही. मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ वल्गर कॉमेंट्स, बट हाँ मुझे नहीं मिला तो मैं बहुत खुश हूँ यार. अभी मैं चैन से सो सकता हूँ. ओके ऑल राइट सर, आप बेस्ट हो. आतिफ खान थैंक यू सो मच भाई. जस्ट ट्राइंग टू रीड वेल, जस्ट ट्राइंग टू यू नो गिव अवे द गुड कॉन्टेंट. बाकी बेस्ट वेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, इट्स अ रिलेटिव टर्म. ओके कोई और मेहनत करेगा, कोई और कल बेस्ट हो जाएगा. अभी आज यू नो हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, सो आज हम आप लोगों के लिए बेस्ट हैं. कल कोई और बहुत अच्छा चैनल बना देगा और बहुत ऑथेंटिक और प्राइम कॉन्टेंट देगा, देन ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट. सो इट्स समथिंग दैट इज रिलेटिव. ऑल राइट सुबर्णा साह, सर जी विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल से अभी तक आपका स्टूडेंट हूँ. थैंक यू सो मच भाई, दैट रियली मीन्स अलॉट. इट मीन्स दैट वी आर यू नो फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स. यू नो मी फ्रॉम 3-4 ईयर्स. आरूप दे सर, भगवान को कौन गाली देता है. भगवान को कोई गाली नहीं देता भाई, लेकिन हम भगवान नहीं है सो हमें पड़ती है काफ़ी बार. बट ऐसा कुछ नहीं है यार, भगवान भगवान ऐसा प्लीज़ मत बोला करो, बहुत अजीब लगता है. अभी जस्ट यार 22 साल का लड़का हूँ, पढ़ने पढ़ाने का काम है, कुछ भगवान जैसा कुछ किया नहीं है. बस 3-4 एग्ज़ाम निकाल लिए हैं पढ़ के, बाकी कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं हो गया है कि तुम लोग गॉड ऑफ बायोलॉजी बोलते हो. हमारे टीचर एक बात बोलते हैं, हमारे टीचर ही इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA. वो एक बात बोलते थे कि आज तक हम एक सेल तक नहीं बना पाए खुद से, तो भगवान होने का हक तो किसी को नहीं है. जो नोबल लॉरिएट्स हैं वो भी यू नो खुद को भगवान नहीं बोलते. और यहाँ पे यूट्यूबर्स अगर भगवान बने हुए हैं तो वो थोड़ा सा गलत है, उस परसेप्शन को चेंज करो दोस्तों, क्योंकि बाकी अपन सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और भगवान मुकम्मल एक औहदा है, उसको अगर पा लिया तो फिर आगे बढ़ने का स्कोप नहीं बचेगा. आर्यन के इंस्टा आईडी भाई विपिन शर्मा बायोलॉजी, डायरेक्टली भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा. चलो थैंक यू भाई यार, अगर तुम लोग इतना कह रहे हो कि मैं बेस्ट हूं तो यार प्लीज मेरा सब्सक्रिप्शन ही ले लो. विपिन कोड को जरूर यूज कर लेना इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स और इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द फुल टर्म कोर्स फॉर नीट 2021 और 2022. जस्ट लेट मी नो और प्लीज़ उसको विपिन कोड को इंसर्ट करके मेरे मेल आईडी पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी हम कनेक्टेड हैं स्क्रीनशॉट भेज देना, सो दैट आई कैन गिव यू माय पर्सनल नोट्स एज वेल एज मेंटोरशिप. ओके क्योंकि जब तक आप हमारे साथ हो
ये फ़र्ज़ बनता है हमारा कि भाई आपको यू नो कोई भी अगर डाउट है तो हम उसका समाधान करें. सो जस्ट लेट मी नो व्हेनेवर यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, जस्ट लेट मी नो ब्रो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है साथ साथ चलना. सिर्फ मैं आगे बढ़ गया तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा. अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपका भी आगे बढ़ना ज़रूरी है. ओके अद्वैत सर, कभी कभी लगता है आप ही भगवान हो. या तो भाई तुम सब लोगों ने ना आज मज़े लेने की कसम खा रखी है भाई. सारे लोग इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हो ना, आप ही बेस्ट हो, आप ही ये हो, आप ही वो हो. लेकिन भाई मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं. तुम लोग मज़े मत लो यार, नॉर्मल नॉर्मल बातें करो. सानिया, मेरा नेट स्लो हो गया यार. सबका ही नेट स्लो है, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं ना यार, बहुत कम स्पीड आती है. दिव्यजीत, ओजोन क्लासेस का कुछ नहीं होगा भाई, रेगुलर पेस पे चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. चलो यार फिर, नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड प्लीज यूज द कोड विपिन इफ यू वॉन्ट टू गेट द सब्सक्रिप्शन. प्लीज यूज द कोड बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू माई हैंड रिटन फॉर्मूला नोट्स फॉर फिजिक्स. फॉर्मूला शीट्स है मेरी खुद की जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद जो है बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं. ओके ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, स्टे ट्यून्ड एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार. राजकुमार जीएफ नहीं मिली भाई, नहीं मिली, लॉकडाउन हो गया और उससे पहले भी नहीं मिली थी, और अब तो मिलेगी भी नहीं यार. अब तो मैं बहुत लेट हो गया. चलो यार, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय.